हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन गर्ल चैनल जिया। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू वेयर काजल इन डेली बेसिस। ऑल्सो मैं आपको ये स्मोकी आईज़ का भी लुक जो है वो बहुत इजी वे में बताऊंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ VLCC का इंचेंटिंग काजल और ये मैंने नया ख़रीदा है और सोचा था कि इसी काजल से मैं यूज़ करती हूँ। इस काजल को अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मैं आपको भी बता पाऊँगी ये काजल कैसा है। सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है, आप अपने फिंगर से थोड़ा सा इसको नीचे करके आप अपने वाटर लाइन जो है लोअर वाटर लाइन में आप ऐसे काजल लगा सकते हैं। और ऐसे इस फिंगर से अगर आप अपर लिट को ऐसे ऊपर करेंगे तो आप ऊपर के तरफ भी अगर लगाएंगे काजल को तो आपका काजल जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा और एकदम आपके आईज जो है बहुत ही बड़ा लगेगा। यू कैन सी, सो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिक। अभी मैं आपको सेकेंड वे बताती हूँ। ये जो है यहाँ से जो कॉर्नर होता है उसका एंगल लेके हम अपर साइड में ऐसे एक स्मॉल सा ड्रॉ करेंगे एंड यू कैन सी ऐसी जो वे है इस वे से हमारी आईज बहुत बड़ी लगेंगी। और नीचे अगर आप थोड़ा थिक कर देंगे देन यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यू कैन सी बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये अगर आप इंडियन वेयर पहन रहे हैं तो उसके साथ। तो ये था सेकेंड वे जैसे आप काजल को वेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको थर्ड वे बताती हूँ। लास्ट कॉर्नर में थोड़ा सा आपको थिक कर लेना है, उसके बाद अपर लिड में आपको काजल से ही ड्रॉ कर लेना है। आप एकदम थिन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और अगर आपको थिक काजल पसंद है तो आप थिक भी कर सकते हैं, पर अगर आप थिन लाइन करेंगे तो ये जो साइड कॉर्नर में हमने लाइन लगाया है वो एकदम अच्छे से रहेगा। तो मैंने उस हिसाब से किया है, अच्छे से एकदम थिन लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। मुझे ऐसी बहुत पसंद है ऐसे काजल पहनना। तो अगर आप चाहें नाउ, अभी पहले आपने थिन लाइन ड्रॉ कर दिया, अभी आप धीरे धीरे इसको थिक कर सकते हैं और थिक लाइन ड्रॉ करके उसके बाद से ही हम स्मोकी आइज़ बनाएंगे। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे आप अच्छे से स्मोकी आइज़ भी कर सकते हैं। और ये जो लुक है ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए मैं अपने अपर लिड में जैसे मैंने लगाया था काजल को उसी का हमें थिक टेक्सचर थिक करके एकदम लगाना है। बहुत ही ज़्यादा जितना अच्छा थिक होगा उतना आपको इजी रहेगा। और अभी मैं इस फिंगर के मदद से इसको थोड़ा सा मैं स्मच कर दूंगी। थोड़ा सा जब आप इसको स्मच कर देंगे यू कैन सी, और एकदम कॉर्नर से आपको स्मच नहीं करना, धीरे धीरे ऊपर से आपको स्मच करना है एंड यू कैन सी ये आपका एकदम हल्का सा एक सिंपल सा स्मोकी आइज जो है वो तैयार हो गया। ये बहुत ही ईजी है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो अभी इसके ऊपर से एक लाइनर से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो और भी प्रोमिनेंट लगता है, सुंदर लगता है। अभी मैं दूसरे आईज़ में भी आपको एक स्मोकी आईज़ करके दिखाऊंगी, पर क्योंकि ये थोड़ा मैंने लाइट किया है उस आँख में, मैं थोड़ा सा डीप एकदम जैसा स्मोकी आईज़ होता है थोड़ा डार्क करके वो मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे जब आप स्मोकी आइज़ करेंगे कॉर्नर में जो हमने विंग्स बनाया था उसको आप रिमूव कर दें। उसके बाद हम लोअर वाटर लाइन में जो है काजल को थोड़ा सा थिक कर देंगे, इससे आपकी आइज़ जो है वो और भी खुली खुली लगेंगी और भी ज़्यादा ब्लैक लगेगी, बोल्ड लगेगी। तो बहुत ही ये अच्छा लगता है मुझे। यू कैन सी वाटर लाइन में जब भी आप ऐसे ड्रॉ करेंगे कॉर्नर्स भी अच्छे से फिल कर लें। यू कैन सी इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये आप किसी पार्टी में भी ऐसे काजल को वेयर कर सकते हैं, काजल को ऐसे लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा, देख सकते हैं आप। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने दूसरी आँख में भी किया है। इस आँख में राइट साइड में थोड़ा सा मैंने डार्क किया और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मैंने लाइट किया। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे से मैंने जैसे मैं करती हूँ वैसे आपको दिखाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको
ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बाय।